हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज है 30th of June और ये है लास्ट थर्सडे ऑफ द जून। इसका मतलब ये है मंथली एक्सपायरी। सो आज मंथली एक्सपायरी वाले दिन आपको बहुत सारी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से तो मार्केट आपने देखी होगी, ऊपर नीचे इस तरीके से चल रही है। सो देखते हैं कि आज की मार्केट कैसी रहती है। फिलहाल अगर हम कल के बारे में बात करें तो कल मार्केट 0.3% की गिरावट के साथ क्लोज हुई। अगर हम देखें तो ओपनिंग बहुत ही नीचे होती है 15,701 पे, लेकिन लगातार मार्केट रिकवर करती रहती है और एट द एंड ऑफ द डे 15,799 पे क्लोजिंग हुई है। अगर हम बात करें टॉप गेनर्स की, तो सबसे ऊपर है ONGC। अब गाइस, यहां पे आपको दिखेगा ONGC और यहां पे दिखेगा आपको रिलायंस। इन दोनों से रिलेटेड न्यूज थी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ONGC और रिलायंस भागे, उसके बारे में हम आगे अपडेट्स में ये बात करेंगे। NTPC 2.2%, कोल इंडिया 1%, भारतीय एयरटेल, एंड ये छोटी मोटी तेजी आज आपको देखने को मिली। गिरावट में अगर देखें HDFC लाइफ 4.3%, HDFC लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस के सारे स्टॉक्स बहुत टाइम से बिल्कुल स्लगिश चल रहे हैं। HUL 3.6% अगेन। HUL अगर आप देखोगे तो पिछले दो साल से, ढाई साल से इसी तरीके से गिरे जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स जब से निफ्टी 50 में आया है, निफ्टी 50 से ये बहुत भगाया गया, जब से निफ्टी 50 में आया है तब से लगातार गिरे जा रहा है। एक्सिस बैंक 2.6%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2.2%, बजाज फिनसर्व अगर आप देखें तो लगातार ये भी गिरे जा रहा है। ऑल्दो बजाज फाइनेंस बीच बीच में ऊपर की चाल चल देता है, लेकिन बजाज फिनसर्व काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे फिलहाल ट्रेड भी कर रहा है। मेरा काफ़ी पसंदीदा स्टॉक है टाइटन, लगातार गिरे जा रहा है। आज भी गिरा टाइटन 1.6% से 1936 पे पहुंच गया है, ये भी बहुत अच्छे वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि अगर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जाना पसंद करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, अभी बहुत अच्छे प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व की, टाइटन की, कोटक महिंद्रा बैंक की, सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। एज लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन इज कंसर्न, शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब अगर आपको पेन नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा। नो पेन नो गेन, जो यहां पे पेन लेंगे उन्हीं को जब आगे मार्केट रिकवर करेगी वहां पे गेन देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तब लूंगा जब यहां पे ब्रेकआउट आएगा, तो ब्रेकआउट आने के बाद फिर कुछ ज्यादा मजा रह नहीं जाएगा। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना लेना है आपको, ये आपके हाथ में है। अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो गाइज मैं ये जो वीडियो है रिकॉर्ड कर रहा हूं लेट नाइट। सो अभी SGX निफ्टी चल रहा है 15,785 पे, आज की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे चल रहा है और बाकी के ग्लोबल मार्केट्स भी रेड में ही हैं। कोई भी आप देख लीजिए, नैस्डैक देख लीजिए, डेक्स देख लीजिए या फिर UK का बाजार देख लीजिए, सब आपको रेड में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मैं इन सारी चीजों को इग्नोर करना पसंद करूंगा क्योंकि आज है वीकली, आज वीकली एक्सपायरी नहीं है गाइस, मंथली एक्सपायरी है। सो मंथली एक्सपायरी पे आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको वो गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको वो गैप भी फिल होता हुआ नजर आ सकता है। सो बी prepared for that, be ready for that. अब बात करते हैं आज की अपडेट्स की, बहुत ही खास खास अपडेट्स हैं। सबसे पहले एमटार टेक्नोलॉजी, जो कि डिफेंस का स्टॉक है, उसमें प्रमोटर्स ने 1.95% का स्टेक बेच दिया है वेंसडे को, जिसकी वजह से कल आपको स्टॉक में 7-8% की गिरावट भी देखने को मिली। अगली अपडेट है कैबिनेट अप्रूव्स डी रेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल। अब भाई गवर्नमेंट ने डी रेगुलेट कर दिया है डोमेस्टिकली जो भी क्रूड प्रोड्यूस हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे जो क्रूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि भाई आप बनाइए, क्रूड को प्रोड्यूस करिए और जहां चाहना है, जिसे चाहना है, जैसे चाहना है बेचिए, हम ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेंगे। इससे पहले सारा का सारा गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता था, गवर्नमेंट ही सारी चीजें डिसाइड करती थी, तो वहां पे इन कंपनीज को थोड़ी सी दिक्कत आती थी। अब क्योंकि गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है इंपोर्ट्स पे, आपको पता होना चाहिए जो इंडिया है वो नेट इंपोर्टर है क्रूड का और 80-90% गवर्नमेंट को इंपोर्ट ही करना पड़ता है बाहर से, और ये डिपेंडेंसी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, स्पेशली आजकल के टाइम में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि डोमेस्टिकली क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस किया जाए और धीरे धीरे करके ये जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे, इस डिपेंडेंसी को कम किया जाए। और आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि हमें एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि जब भाई हम नेट इंपोर्टर हैं तो हम अपने ही प्रोडक्ट्स को क्यों एक्सपोर्ट करेंगे। इसीलिए एक्सपोर्ट पे बिल्कुल बैन लगा हुआ है और यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट भी कर दिया है, जिससे कि इन कंपनीज को यहाँ पे थोड़ा सा इंसेंटिव मिले। इसी वजह से कल आपको ONGC और रिलायंस दोनों में तेजी देखने को मिली।
अब अगली अपडेट है टाटा मोटर्स तेजस नेटवर्क पार्टनर्स विद जापान्स रेनेसिस टू डेवलप चिप सॉल्यूशंस। ये सॉरी गाइस यहाँ पे चुप लग गया है, चिप सॉल्यूशंस। सो चिप की शॉर्टेज जो चल रही है, आप लोगों को पता होगा ऑटो सेक्टर में बहुत टाइम से चिप की शॉर्टेज चल रही थी, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही थी। अब टाटा मोटर्स और तेजस नेटवर्क ने पार्टनर किया है जापान की एक कंपनी से चिप सॉल्यूशंस के लिए। सो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा मोटर्स एंड तेजस नेटवर्क के लिए। अगली अपडेट है बायजूस लेज ऑफ ओवर 2500 एम्प्लॉइज। गाइज आप लोगों ने देखा होगा यहाँ अपडेट्स में रोज कोई ना कोई कंपनी की आपको न्यूज़ देखने को मिलती है जहाँ पे ले ऑफ चल रहे हैं। अब ये मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों डालता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे इसीलिए डालता हूँ जिससे कि आपको स्टार्टअप इन्वायरमेंट का थोड़ा सा पता चले कि स्टार्टअप इन्वायरमेंट में फिलहाल चल क्या रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टार्टअप्स लिस्ट हुए हैं, स्पेशली लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स। सो अगर आपको ये पिक्चर पता नहीं चलेगी तो आप ऐसे किसी स्टॉक में फंस जाएंगे, आप ऐसे किसी स्टार्टअप में फंस जाएंगे। इसीलिए ओवरऑल पिक्चर बताने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। आज बायजूस ने किया है, कल हमने डिस्कस किया था उड़ान ने ले ऑफ किया था, और लगातार बहुत सारे स्टार्टअप्स ले ऑफ किए जा रहे हैं, और 2500 एम्प्लॉइज तो बहुत ही बड़ा नंबर है। नेक्स्ट अपडेट है जो कार्निवल सिनेमाज जो बिल्कुल डेट में दबा हुआ है, उसने 400 करोड़ को रेज करने की बात करी है यस बैंक से। अब यस बैंक ऐसे डेट रिडन कंपनीज को क्यों देना चाह रहा है पैसा, आई डोंट नो। यस बैंक की हिस्ट्री ही कुछ इस तरीके की रही है, लेकिन कार्निवल सिनेमाज फिलहाल बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहा है और अपने इस डेट से बचने की कोशिश कर रहा है थोड़ा मोड़ा पैसा रेज करके। और इनके प्लान्स भी हैं कि 100 सिनेमाज खोले जाएँ, जो कि बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक मुझे प्लान्स लग रहे हैं। बट लेट्स सी कार्निवल सिनेमाज कैसा करते हैं, स्पेशली जहाँ पे पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर हो गया है, क्योंकि वहाँ पे आपस में कंपटीशन करने से ये इंडस्ट्री ही खराब हो रही थी, दोनों को नुकसान पहुँच रहा था, वहाँ पे तो मर्जर हो गया है। कार्निवल सिनेमाज इनके साथ कैसे कम्पीट कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सिस ने अप्रूव कर दिया है बायबैक। ये सिस आपको पता होगा गाइज, ये वही कंपनी है जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है आपको, गार्ड्स वगैरह जो देने होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया, चाहे सोसाइटीज़ हो चाहे कहीं कॉर्पोरेट्स में हो, एंड और भी बहुत जगह पे होते हैं। सो ये वो कंपनी है, बायबैक किया है एट ₹550 पर शेयर, इसको अप्रूव कर दिया गया है वाया टेंडर ऑफर। सो ये भी टेंडर ऑफर रूट से है, और अभी आपको पता होगा बजाज ऑटो का भी जो बायबैक आया है वो भी टेंडर ऑफर राउट से ही आया है। सो यहाँ पे टेंडर ऑफर में कोई ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी इससे नीचे नीचे जो भी प्राइस अवेलेबल होगा मार्केट से धीरे धीरे शेयर्स को खरीदती रहेगी, जहाँ पे डायरेक्टली कोई फायदा नहीं मिलेगा किसी को भी। और जो बायबैक का साइज है वो है 80 करोड़, काफी छोटा सा बायबैक है, बट कंपनी के साइज को देख करके ठीक ठाक बायबैक है। बट क्योंकि टेंडर ऑफर है इसीलिए यहाँ पे कोई ज्यादा मजेदारी नहीं है, और वैसे भी हम लोग ये डिस्कस करते रहते हैं बायबैक स्प्लिट बोनस के लिए कोई स्टॉक को स्पेशली नहीं खरीदना होता है। हाँ, आपको अगर वो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा लगता है, आप वैसे ही खरीदना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एट द बैक ऑफ योर माइंड रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ बायबैक के लिए खरीद लेना, सिर्फ स्प्लिट के लिए खरीद लेना, सिर्फ डिविडेंड के लिए खरीद लेना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। सो गाइज ये थी आज की अपडेट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ये जो डेली अपडेट्स हैं आप लोगों को सुबह सुबह मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।